बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है कुआं पूजन के फंक्शन में, और बारिश हो रही है। देखती हूँ बारिश रुक जाएगी तब जाऊँगी। हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत मेक जो करना होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊँगी। फिर मैंने अपना मेकअप का सारा सामान निकाल लिया है, और जो अभी मंगवाए थे ना, कलर करेक्टर वगैरह, और फाउंडेशन नहीं मंगवाया, हाँ आई शेडो मंगवाई थी, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है अपनी, जो मैंने आपको दिखाया भी था, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी निकाल ली है, बनाना लूज पाउडर वगैरह। तो थोड़ा थोड़ा ही मेकअप करूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, वैसे ही ख़राब ही होना सब कुछ इसीलिए तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। और मैं होने लग गई हूँ अभी रेडी, और सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया है, उसके बाद लगाया मैंने कंसीलर, और कंसीलर लगाने के बाद हल्का फुल्का फाउंडेशन लगाया, क्योंकि आज हो रखी है बारिश, और बारिश के मौसम में तो मेकअप करो ना करो सब बराबर है, हो सकता है जाना कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है और हमारे यहाँ पे ना पानी बहुत भर जाता है, तो पक्का नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि पड़ोस में प्रोग्राम है तो हो सकता है जाना पड़ जाए, तो तू रेडी तो हो जा। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं रेडी होके बैठ जाऊँ और जाना कैंसिल हो जाए, लेकिन लास्ट में फिर मैं चली ही गई थी, क्योंकि मैं रुक नहीं सकती रेडी होने के बाद, एक बार तो मुझे जाना ही होता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रेडी हो जाऊं और मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद मैंने हल्का फुल्का फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन के बाद फिर मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर लगाया, और उसके बाद आई शेडो वगैरह लगाई, जो मेरी साड़ी से मैचिंग आई शेडो थी वो। उसके बाद फिर मैंने अपनी आईब्रो करेक्ट की। मेरा फेस देखिए, ये मत सोचना कि ज़्यादा वाइट वाइट मेकअप हो रहा है, क्योंकि ये लाइटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मेकअप होके रेडी हुआ है मेरा। और शेडो वगैरह, आई शेडो वगैरह मैंने लगा ली, और थोड़ा ऊपर वाली शेड जो पर्पल लगाई है मैंने, उसके बीच में रेड है और फिर गोल्डन है, तो तीन शेड से मिला करके मैंने अपना आई शेडो मतलब लगाया है, और आई शेडो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब मैंने ना बहुत ही लाइट फाउंडेशन लगाया, और ये फाउंडेशन ना मेरी शेड का नहीं है, थोड़ा सा वाइट लगता है मुझे ये, तो मैं सोच रही हूँ अब की बार जो मैं फाउंडेशन लेके आऊँगी ना, उसका बहुत ही अच्छे से मैं शेड वगैरह चेक करके लाऊँगी। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और इस बार मैं चार मैसी मिलानों का देख रही हूँ, लेकिन वही है ना, मुझे डर लगता है कि मैं शेड वगैरह देख के भी मंगवाऊँ और फिर वो चेंज आ जाए ना, तो फिर पैसों की बर्बादी सी लगती है कि मंगवा भी लो और पैसे भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ों में काफ़ी बार पैसे वेस्ट कर दिए हैं। तो मैं बहुत ही सोच समझ के और देख के मंगवाऊँगी, हो सकता है मैं लोकल ही लेऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शेड मैच करके और ऑनलाइन मंगवा सकती हूँ, तो अभी कुछ नहीं पता, मेरे दिमाग का मूड होगा तो मैं मंगवा लूँगी। और मेरा मेकअप डन हो चुका है, बस हाइलाइटर लगाना है जो मुझे बहुत ही पसंद है, उसके बाद फिर मुझे लगाना है लाइनर, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी मैं अभी फिनिश कर दूँगी। और हाइलाइटर लगते के साथ तो चेहरे पे ना ग्लोसी ही आ जाती है, और देखिए हाइलाइटर भी मैंने लगा लिया, लाइनर भी लगा लिया, अपनी लिपस्टिक बिंदी जो मैं लगाती हूँ वो सब भी लगा ली, और लास्ट में फिर मैंने मेकअप फिक्सर लगाया है। और देखिए मेरी आई शेडो अच्छी लग रही है ना मुझे भी अच्छी लग रही है, बाद में मैंने चेक किया, क्योंकि लगाते वक्त ना कुछ पता नहीं चलता कैसा मेकअप हो रहा है कैसा नहीं, बाद में जब देखते हैं ना तो पता चलता है, और मेकअप तो वाकई में काफ़ी अच्छा हो गया था, और ये रात तक टिक भी गया क्योंकि मैं काफ़ी लेट तक गई थी। मेरा मेकअप डन हो चुका है, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी और रेडी नहीं हो रही मैं, गले वले में कुछ नहीं पहन रही, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं एक बार आपको बाहर का दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं भीग भी गई, मैं देख के आई थी एक बार, तो मैं एक बार आपको बारिश दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, देखना सारे में कितना पानी भरा पड़ा है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं रेडी होके खड़ी हूँ, कैसे जाया जाएगा ऐसे में, हाँ मामा के नहीं वहाँ जा रहे, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और पानी अब भी भरा हुआ है। हाँ बाबू कहीं नहीं, फंक्शन में जाना है, देखो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी दूर की बर्फ जम रही है। कहाँ बर्फ, तुझे कहाँ बर्फ दिखाई दे गई, बारिश हो रही है, ये कितनी तेज बारिश हो रही है, अब भी सारे में पानी भर गया, मेरा जाना कैंसिल हो रहा है, मैं तैयार तो होके बैठ गई देखो कितनी तेज पानी है।
मैंने कितनी तेज बारिश हो रही है। आप कहाँ जाओगे? मैं ही नहीं जा रही। यश यश कह रहा है मैं भी जाऊँगा आपके साथ, और ना मैंने चूड़ियाँ पहनी ना कुछ और, क्योंकि इतनी तेज बारिश है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी तेज बारिश में कहीं जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और बारिश में भीगते ही मेरे छींके चालू हो जाती है, इसलिए मेरा जाना शायद कैंसिल है। अभी थोड़ा टाइम है तो तब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, चाय पी रही हूँ। चाय का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो रहा है, और आज बच्चे भी ट्यूशन नहीं गए क्योंकि बारिश काफ़ी देर हो गई, बारिश होते होते। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या प्रोग्राम होगा, फिर मैं आपको बता दूँगी। रेडी होके बैठ गई और अपनी चाय बना कर ले आई, अपनी चाय पी रहे हैं अब। इतना सा दज के चाय के मज़े अलग ले रहे हैं। और अभी बारिश रुकी नहीं है, अभी पता नहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो यार ऐसा किस किस के साथ होता है कि रेडी होके बैठ जाओ फिर फंक्शन में ना जाओ, बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है कि मैं रेडी हो जाऊँ या तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या फिर जाना ना हो ना, बहुत बुरा लगता है मुझे तो सच। तो देखती हूँ, अगर रुक जाएगा तो एक बार होके आना ज़रूरी है, तो होके आएंगे। बाकी मौसम के ऊपर है, क्योंकि यहाँ गली में पानी भी बहुत भर जाता है ना, तो पानी में तो जाऊँगी नहीं बिल्कुल भी, अगर पानी ख़त्म हो गया तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अब अपनी चाय की चुस्कियों के मज़े ले लेते हैं तब तक। रक्षा की अभी कॉल आई है तो मेरे तो आलस आ गया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं लेके चलूँगा। बच्चे रेडी हो चुके हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं क्योंकि पास ही जाना है। चूड़ियाँ पहन ली है, हालांकि तबीयत ख़राब होती जा रही है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पर कह रहे हैं जाना ज़रूरी है। तो एक बार हाजिरी लग जाएगी तो एक बार हो आते हैं। बाहर पानी भरा है तो धर्मश्री के साथ ही जाएंगे, तो वहाँ जाके अब सीधा डायरेक्ट वहीं का दिखाऊँगे, और बस खाना पीना खा पी के अपने घर आ जाएंगे। और देखिए हम आ चुके हैं फंक्शन में, तो यहाँ पे फंक्शन हो रखा है और बारिश ने पूरा फंक्शन ही बिगाड़ दिया। मतलब बहुत बुरा लगता है इतने पैसे वैसे लगा और फिर सारी चीज़ें ख़राब हो। तो सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और थोड़ी देर उनसे बातें की। और देखिए सारे खाना अंदर था वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर का जो मौसम था ना वो बहुत ही ख़राब था। और खाना वगैरह खाते के साथ हम आ गए थे अपने घर पे। घर आ चुके हैं और बारिश अभी रुक चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।